दोस्तों, इस महीने की 15 तारीख को हुआवे, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको यूएस के प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ट्रेड लिस्ट में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि ना तो यूएस की कोई कंपनी हुआवे से कोई चीज खरीद पाएगी अब, और ना ही यूएस की कोई कंपनी हुआवे को कोई चीज बेच पाएगी। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कंज्यूमर्स के लिए इसका क्या असर होने वाला है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसा वीडियो लेके आता रहता हूँ। और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीकाचार्य, और आज बात करेंगे हुआवे की ब्लैकलिस्टिंग के बारे में। दोस्तों, एक स्मार्टफोन जो हम यूज़ करते हैं उसमें यूएस की कंपनी से बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो क्वालकॉम की एसओसीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और क्वालकॉम एक यूएस की कंपनी है। तो स्नैपड्रैगन एसओसीज का अगर आपने नाम सुना है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स का नाम अगर सुना है आपने मोबाइल में, तो बेसिकली ये एक यूएस की कंपनी है, जो ये एक यूएस का प्रोडक्ट है। और अगर आपने अगर सॉफ्टवेयर साइड की बात करते हैं तो गूगल एंड्रॉयड गूगल का एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के अंदर। और टेक्निकली एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि कोई भी कंपनी बिना गूगल के इंटरवेंशन के इसको यूज़ कर सकती है। पर गूगल की ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो एंड्रॉयड के अंदर हमें मिलती हैं बाय डिफॉल्ट, जिनकी हमें आदत हो जाती है। जैसे कि सबसे पॉपुलर जो सर्विस है वो है प्ले स्टोर, जो इनका ऐप स्टोर है। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी और मैन्युफैक्चरर का स्मार्टफोन खरीदते हैं, जैसे कि शाओमी का या फिर सैमसंग का, तो वो अपना थर्ड पार्टी एक ऐप स्टोर वहाँ पर डाल के रखते हैं। जैसे शाओमी का एम आई स्टोर होगा, या फिर सैमसंग का गैलेक्सी ऐप स्टोर, या ऐसे कुछ ब्रांडिंग होगी, तो वो प्ले स्टोर के अलॉन्ग साइड एक और ऐप स्टोर डाल के देते हैं। पर फिर भी प्ले स्टोर ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इनका कैटलॉग ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा एप्लीकेशन है इनके पास। और साथ ही साथ गूगल ने काफ़ी सिक्योरिटी के बेसिस पे काफ़ी एडवर्टाइज़ किया है प्ले स्टोर को, तो प्ले स्टोर पे रिलायंस हमारा ऐप्स के लिए ज़्यादा है। तो इस तरह की जो गूगल की सर्विसेज हैं एंड्रॉयड के साथ, वो यूज़र के एक्सपीरियंस को बेसिकली इनरिच कर देती हैं। और अगर उन पर्टिकुलर सर्विसेज को ड्रॉप कर दिया जाए एंड्रॉयड से, तो काफ़ी बेयरबोन्स हो जाएगा एंड्रॉयड, काफ़ी जैसा हम यूज़ करते आए हैं वैसा नहीं रहेगा। ऐसी तीसरी कंपनी है कॉर्निंग, जो गोरिल्ला ग्लास का अगर नाम सुना होगा, फ्रंट में और बैक में आजकल ग्लास सैंडविच स्मार्टफोन डिज़ाइन का जब से शुरू है चलन, कि फ्रंट में भी ग्लास, बैक में भी ग्लास, तो तब से गोरिल्ला ग्लास की और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई। अगर आपने गोरिल्ला ग्लास का नाम सुना होगा तो बेसिकली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लास होते हैं। कॉर्निंग एक कंपनी है यूएस की, वो इन ग्लासेस को बनाती है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो यूएस की किसी ना किसी कंपनी से हमारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर सोर्स करता है और फिर एक स्मार्टफोन बना के देता है हमें। अब अगर हुआवे को ट्रेड बैन कर दिया जाएगा तो हुआवे इन सारे प्रोडक्ट सर्विसेज को अपने स्मार्टफोन्स में नहीं यूज़ कर पाएगा। पर शायद हुआवे को इस बात की भनक थी कि फ्यूचर में उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। इससे पहले भी हुआवे के नेटवर्क इक्विपमेंट्स को यूएस में खरीदना बैन कर दिया था यूएस की इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए। तो हुआवे को कहीं ना कहीं ये पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए शायद 2-3 साल पहले से उन्होंने हाई सिलिकन नाम की एक कंपनी है हुआवे की, वो किरिन नाम के प्रोसेसर चिपसेट्स बनाती है हुआवे के लिए। और बेसिकली अभी तक तो वो क्वालकॉम के जितना अच्छे चिपसेट्स नहीं बना पाए हैं, पर वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। जो लेटेस्ट किरिन के चिपसेट आए हैं वो क्वालकॉम के लेटेस्ट चिपसेट को नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो फ्यूचर में हो सकता है कि क्वालकॉम जितने अच्छे चिपसेट्स वो बनाने लगे। साथ ही साथ मार्केट में ये भी खबर आई है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हुआवे काम कर रहा है सीक्रेटली, और शायद हमें फ्यूचर में ये भी देखने को मिल जाए। पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एंड्रॉयड का कोई भी फ्लेवर आप दे दो, उसमें गूगल की कुछ सर्विसेज होती हैं जिनकी हमें आदत है, और उनके बिना हमारा स्मार्टफोन एक्सपीरियंस वैसा नहीं रहेगा जैसे पहला हुआ करता था। अब बात करते हैं रिसेंटली 19 मई के आसपास में इस बैन में थोड़ा रिलीफ मिला था, एक टेम्प्रेरी परमिट दे दिया था यूएस ने हुआवे को, ताकि वो ट्रेड कर पाएँ यूएस की कंपनीज के साथ, और ये फिगर आउट कर पाएँ अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ कि कैसे इस ब्लैकलिस्टिंग से उन्हें फ्यूचर में निपटना है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास 19 अगस्त तक का टाइम है ये फिगर आउट करने के लिए कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उनको कोई नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिलीज़ करना है, या फिर यूएस के साथ ही अपने ट्रेड टाइज जैसे पहले थे, जैसी चीज़ें पहले थी वैसे यूएस के साथ पहले जैसी ही बरकरार रखनी है।
तो अगर आप कोई हुआवे या ऑनर फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप 19 अगस्त तक का इंतजार कर लीजिए और देखिए कि क्या फाइनली हुआवे को यूएस की जितनी भी कंपनीज हैं उनके साथ ट्रेड की परमिट मिल जाती है या नहीं, क्योंकि सर्टनली हुआवे आपको रिप्लेसमेंट दे सकता है कोई जो सर्विस आप यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट या सर्विस आप पहले भी यूज़ करते आए हैं उनके फ़ोन में, उसका रिप्लेसमेंट तो ज़रूर दे सकता है, पर आपको सर्टनली वो एग्जैक्टली सर्विस नहीं दे पाएगा क्योंकि वो सर्विस किसी यूएस की कंपनी द्वारा कंट्रोल की जा रही है। अब अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना में वैसे भी यूएस की सारी सर्विसेज, यूएस की सारी कंपनीज, लगभग सारी कंपनीज ब्लॉक्ड है, जैसे कि गूगल की कोई भी सर्विस चाइना में एक्सेसिबल नहीं है। तो चाइना का जो मार्केट है हुआवे का, उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो पहले भी वहाँ पे उसी तरह के स्मार्टफोन्स रिलीज करते थे और अब भी चाइनीज कस्टमर के लिए कुछ भी खास बदला नहीं हुआ के लिए। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए क्या कुछ बदल जाएगा अगर यूएस की कंपनीज का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कोई मैन्युफैक्चरर अपने फोन में इस्तेमाल करना बंद कर दे। वीडियो को लाइक करिए अगर आपको मेरा काम पसंद आया। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप चैनल में आगे क्या देखना चाहते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूं और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।